भारत विविधता का देश है और यह विविधता देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध व्यंजनों में देखने को मिलती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ की संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ व्यंजनों को भी खाने का मौका मिलता है। ऐसे ही महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर को मेट्रो सिटी, ऑरेंज सिटी कई नामों से तो पहचाना जाता ही है, साथ ही साथ यहाँ की खाद्य संस्कृति से भी नागपुर की एक अलग ही पहचान है। यहाँ के व्यंजनों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, खासकर सावजी, चना पोहा, पातोड़ी, संतरा बर्फी, साथ ही साथ गर्मा गर्म मूंग पकौड़े। यहाँ के कई व्यंजन सात समुंदर पर भी पसंद किए जाते हैं। आज हम आपको काटोल रोड स्थित डोली गांव के सुप्रसिद्ध मूंग पकौड़े बनाने वाले और साहेब राव पकौड़े वाले दुकान के मालिक साहेब राव पकौड़े वाले इनसे मिलाएंगे। तो आइए मिलते हैं साहेब राव पराते इनसे। नागपुर की पहचान खाने से भी है। यहाँ की खाद्य संस्कृति पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नागपुर शहर का तरी पोहा, पाटोड़ी, ये सब चीज़ें तो जग विख्यात है, लेकिन नागपुर का मूंग पकौड़ा भी बहुत ही फेमस है। हम आए हैं फिलहाल काटोल रोड स्थित डोरली गांव में और आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो है गरम गरम मूंग पकौड़े बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ है इस होटल के मालिक, उनसे हम जानते हैं कि ये मूंग पकौड़े जो है ये डोरली गांव और आसपास के परिसर में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के जो मूंग के पकौड़े हैं, क्या बताओगे? अभी आप मूंग पकौड़े तल रहे हो, किस तरह से ये बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये नागपुर, कड़मेश्वर, काटोल, सावरगांव, नरखेड़, जलालखेड़ा, भारसिंगी, मदना, अमरावती, परतवाड़ा, दूर दूर से लोग आते हैं हमारे यहाँ पर। क्या खासियत है यहाँ के मूंग पकौड़ों की? मूंग पकौड़े तो नागपुर और आसपास के परिसर में बहुत मिलते हैं, लेकिन ये जो यहाँ के जो प्रसिद्ध मूंग पकौड़े हैं, क्या बताओगे कि क्या खासियत है आपके यहाँ के मूंग पकौड़े? खासियत ऐसा है कि ये खस्ता लगता है, लोगों को टेस्टी लगता है, चटनी टेस्टी है, इसीलिए लोग आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मूंग पकौड़े खाने लोग आते हैं क्योंकि यहाँ की जो बनाने की विधि जो है ये सबसे अलग है, और कुरकुरे पकौड़े जो है यहाँ मिलते हैं। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।